हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं, हम NLM कर रहे थे, NLM के जो 31 ईयर वाले प्रॉब्लम्स थे उसको हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके आगे, जितने भी आप इसे पिछला लेक्चर देखे हो, ठीक है, वो सारे देख लेना और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो, ये जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एक मंकी है, ठीक है, मंकी एक वर्टिकल रोप पे चढ़ रहा है। ये वर्टिकल रोप है, ठीक है, इस टाइप का एक वर्टिकल रोप है, इस पे एक मंकी चढ़ेगा, ठीक है। एक वर्टिकल रोप है और इस वर्टिकल रोप पे एक मंकी यहां से चढ़ेगा, ठीक है। तो यहां से ऐसे मंकी ऊपर जाएगा इस रोप पे, क्लियर है। अगर ये मंकी देखो ऊपर जाना चाहता है, ठीक है, तो ऊपर जाने के लिए इस पे नेट फोर्स अपवर्ड होना चाहिए। ये कहता है खुद मंकी का मास 20 kg का है, जो मंकी है वो 20 kg का है, और जो मैक्सिमम टेंशन, मतलब एक देखो हर एक रोप होती है, स्ट्रिंग होती है, एक मैक्सिमम टेंशन के बाद तो टूट जाएगी ना भाई। इसमें जो मैक्सिमम वेट मैं 25 जो मैक्सिमम मास है वो 25 kg लगा सकता हूँ। अगर ये मंकी 25 से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये नीचे आ जाएगा, स्ट्रिंग टूट जाएगी। तो ये जो मैक्सिमम टेंशन है उसमें वो 25 kg, ठीक है, 25 kg का मास सपोर्ट कर सकता, मतलब 250 न्यूटन, 250 न्यूटन इसमें मैक्सिमम टेंशन है, ठीक है, मतलब इससे मैक्सिमम टेंशन 250 न्यूटन सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। चलो, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद मंकी कैन क्लाइंब, मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकता है। तो मंकी ऊपर क्यों जाएगा भाई, कैसे जाएगा, जब ऊपर फोर्स लगेगा तो ऊपर कैसे फोर्स लगेगा। तो मंकी पे, मंकी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये रहा मंकी और ये रहा मंकी के हाथ और पैर जो भी है ये। अब इस मंकी पे जो टेंशन लगेगा वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा और खुद इसका वेट mg डाउनवर्ड लगेगा। अब अगर ये एक्सेलरेट करता है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है, तो ऑब्वियसली टेंशन अधिक होगा और mg कम होगा, ठीक है। टेंशन ऊपर क्यों लगेगा, देखो ध्यान से समझो इसको, जैसे रोप है, रोप को मैं पकड़ के नीचे खींचा तो मैं जो है वो फोर्स नीचे लगाया तो रोप मुझे ऊपर खींचेगा तो मैं ऊपर जाऊंगा। तो इस तरह से मंकी रोप को नीचे खींचा तो रोप ने मंकी को ऊपर खींचा और वो टेंशन टी से ऊपर जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो चलो, अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से इसका इक्वेशन लिखूँ तो T-mg दैट इज मास ऑफ द मंकी और एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी, ये एक नॉर्मल इक्वेशन है। हमें चाहिए इसमें एक स्पेशल केस मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम तभी होगा जब टेंशन मैक्सिमम होगा, तो टेंशन मैक्सिमम माइनस mg और एक्सेलरेशन मैक्सिमम, दिस इज द फाइनल इक्वेशन, ये फाइनल इक्वेशन। अब इसमें वैल्यू डाल दो, मैक्सिमम टेंशन कितना सपोर्ट कर सकता है स्ट्रिंग, 250 न्यूटन, मास ऑफ द मंकी 20 है, जी से मल्टीप्लाई गई है 200 न्यूटन, और ये आ जाएगा 20 एक्सेलरेशन मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, जो मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी दैट इज वो 50/20 आ जाएगी, मतलब वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज डी ऑप्शन सही है ना, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट इसको करते हैं। हाँ चलो नेक्स्ट को, ये कहता है एक लिफ्ट है जो 1000 kg है, ठीक है, लिफ्ट का जो मास है वो 1000 kg है। चलो यहाँ एक लिफ्ट बना लेते हैं हम, और इस लिफ्ट का मास जो है वो 1000 kg लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। विच इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन 1 meter per second अपवर्ड, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही तो इसमें केबल लगा होता है उसकी हेल्प से जाएगी, और 1 meter per second square लिफ्ट का एक्सेलरेशन है। तो इस केबल में टेंशन टी होगा और साथ साथ पूरे जो लिफ्ट है उसका जो एमजी है वो नीचे लग रहा होगा, तो टेंशन अधिक होगा जिससे ऊपर एक्सेलरेशन 1 meter upward डायरेक्शन, देन टेंशन डेवलप इन द स्ट्रिंग विच इज कनेक्टेड टू द लिफ्ट। अब देखो टेंशन ही निकालना हमें, तो टेंशन निकालने का सिंपल सा इक्वेशन है, टेंशन T-mg मास ऑफ द लिफ्ट और एक्सेलरेशन, ये इसका इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी A+g के इक्वल आ जाएगा। मास कितना है लिफ्ट का 1000, ठीक है, और A कितना आएगा बोलो, A
ए वन दिया हुआ, जी की वैल्यू दिया नहीं है तो 9.8 लेंगे, तो 9.8 और ए, ठीक है, जी दिया नहीं है तो 10 ही ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1000 और मल्टीप्लाइड बाई 10.8, ठीक है, 9.8, तो 10.8 और 10 जब जोड़ोगे तो 10 ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1008 और उसके बाद 20, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा, मतलब बी ऑप्शन सही है ना, क्लियर है, आया समझ में, आसान था। नेक्स्ट देखो, ये कहता है ये ब्लॉक मास 10 kg प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजेंटल सरफेस, समझना इधर क्वेश्चन, एक रफ हॉरिजेंटल सरफेस है और इस पर मैंने 10 kg का ब्लॉक रखा, ठीक है, 10 kg का ब्लॉक रखा और ये सरफेस कैसा आया, रफ है, ठीक है, ये रफ है जिसपे 10 kg का ब्लॉक रखे और इस पर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू प्रेजेंट है, म्यू कितना है, तो म्यू है 0.5, ये है म्यू 0.5 है, इफ हॉरिजेंटल फोर्स 100 N इज एक्ट देन एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक, अब इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग गया जिसकी वैल्यू 100 N है, 100 N है, ठीक है, तो 100 N, अब ब्लॉक का एक्सलेशन निकालना, समझना, एक ब्लॉक है इस तरह से रखा हुआ है, अगर उस पर एक कांस्टेंट हॉरिजेंटल फोर्स 100 N हमेशा लगता है, फ्रिक्शन उस पर हमेशा लगता है, तो ये एक्सलेट कितने से करेगा, ऐसा नहीं कि लग के हट गया यार, तब तो लग के हट जाएगा तो सिर्फ फ्रिक्शन ही काम करेगा तो रुक जाएगा, एक कांस्टेंट एक्सलेशन से एक्सलेट कर रहा है, तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा तो फोर्स माइनस फ्रिक्शन क्या बना, बोलो एम ए, यही तो ये चाहिए हमें, फोर्स इस पे कितना लग रहा है, 100 N, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन, ठीक है, और ये आ जाएगा एम ए, तो 100 N और माइनस फ्रिक्शन म्यू एम जी आ जाएगा, दैट इज द एम ए, तो एक्सलेशन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस म्यू की वैल्यू 0.5 और मास ब्लॉक का दिया हुआ 10 kg, जी की वैल्यू 10 ले लो और डिवाइड कर दो मास 10 kg से, तो ये पॉइंट ए पॉइंट खत्म हो गया, जैसे 50 मतलब 50 100 में से 50 या 10 इज इक्वल टू 5 m/s² कांस्टेंट एक्सलेशन है जो कि जिससे ब्लॉक चल रहा है, ठीक है ना भाई, अगर इतने से कंटिन्यूस चलेगा तो वो उस पर कांस्टेंट फोर्स हमेशा लग रहा है, अगर दोनों हट जाएंगे तो एक्सलेशन जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, कहता है ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस ए ट्रक, ये देखो ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है फ्रिक्शन का, ठीक है, कहता है हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल सरफेस ऑफ ए ट्रक, एक ट्रक है, चलो यहाँ ट्रक बना लेते हैं, ये हम लोगों का ट्रक है, ठीक है, एक हैवी ट्रक है इस टाइप से, इस ये ट्रक है, ये ट्रक आगे जा रहा है, ठीक है, इस ट्रक इस टाइप से एक ट्रक है आगे जा रहा, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है कांस्टेंट एक्सलेशन, ट्रक का एक्सलेशन कांस्टेंट है 5 m/s² से एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, इसमें ड्राइवर है जो इसको चला रहा है, ठीक है, तो 5 m/s² से म्यू 0.6 है मूविंग विद एक्सेलरेशन देन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। अब देखो यहाँ पे ये जो ट्रक है जो ऐसे जा रहा था, इसके सरफेस पे या हॉरिजेंटल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, तो ब्लॉक ये यहाँ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है यार 0.6 है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पे लगेगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में है और एक्सेलरेटेड फ्रेम में है तो इस पे एक सूडो फोर्स इधर की डायरेक्शन में लगाएगा कोई ऑब्जर्वर इस, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर इस यहाँ से ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा तो वो सूडो लगाएगा मास ऑफ द ब्लॉक एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, तो अगर ये स्मूथ सरफेस रहता तो ब्लॉक इधर एक्सेलरेट कर जाता इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो यहाँ फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन जो ट्रक है उस पर फ्रिक्शन पीछे लगा देगा, तो फ्रिक्शन और सूडो अब मिल के डिसाइड करेंगे कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, हो सकता है कि सूडो, हो सकता है कि ब्लॉक इधर एक्सेलरेट कर जाए, अब फ्रिक्शन की वजह से तो उधर जाएगा नहीं यार, ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर मान लो फ्रिक्शन रोक नहीं पाया तो एक्सेलरेट हो गया, तो अगर सूडो फ्रिक्शन के बराबर हो गया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, अदरवाइज स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि सूडो है कितना और मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ कितना अवेलेबल है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है वो है म्यू एन,
और म्यू 0.6 और एम जी मास ऑफ द ब्लॉक दिया होगा कितना भाई? हाँ मास ऑफ द ब्लॉक नहीं है क्या? ऑन अर्जेंटा के ब्लॉक वन दिया म्यू एम जी 10 दिया, ठीक है, तो यह जाएगा 6 न्यूटन। तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन अवेलेबल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू वो 6 न्यूटन है। और सूडो कितना है? सूडो फोर्स कितना है? देखो सूडो कितना है, सूडो जो फोर्स है OM में वो कितना है, मास 1 kg है और ये मतलब 5 न्यूटन, ठीक है। अब सूडो तो 5 न्यूटन ही लगेगा क्योंकि एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सूडो कम पड़ गया, फ्रिक्शन ज्यादा है तो मैक्सिमम तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, तो अभी यहाँ कितना लगेगा? अगर 5 न्यूटन इधर लगता है तो इधर अब फ्रिक्शन लगेगा 5 न्यूटन जो कि स्टैटिक होगा। अगर ये 6 न्यूटन होता तो यहाँ 6 न्यूटन लगता जो कि लिमिटिंग होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो 5 न्यूटन लगेगा और उसका जो नेचर है वो स्टैटिक होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। किस कैसा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, वो इधर की डायरेक्शन में लगेगा और सूडो को पूरी तरह से बैलेंस कर लेगा। ब्लॉक इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा, ठीक है। चलो ये कहता है कि क्रिकेटर कैच ए बॉल ऑफ 150 ग्राम इन 0.1 सेकेंड मूविंग विथ स्पीड। अगर एक बॉल आ रहा है, ठीक है, एक बॉल आ रहा है, कितने स्पीड से आ रहा है? यहाँ पर एक क्रिकेटर है, ठीक है। अगर ये क्रिकेटर इस बॉल को कैच करता है, ठीक है, ये क्रिकेटर इस बॉल को कैच करता है, ठीक है, अपने हाथ में, तो 1 सेकेंड कॉन्टैक्ट रहता है। क्रिकेटर कैच ए बॉल इन 1.7 मूविंग विद 1.1 सेकेंड तक क्रिकेटर और उस क्रिकेटर के हाथ और बॉल के बीच का कॉन्टैक्ट है 1.1 सेकेंड। देन द फोर्स एक्सपीरियंस, अब देखो बॉल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और क्रिकेटर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बात बराबर है क्योंकि फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर मैग्नीट्यूड में होता है। जितना बॉल क्रिकेटर पे लगाएगा उतना क्रिकेटर बॉल पे लगाएगा, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे जो लगेगा, फोर्स कैसे निकालते हैं? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम टी। तो क्या मोमेंटम चेंज हुआ, ठीक है। अब ऐसे तो हम इसको लगा नहीं सकते क्योंकि जो चेंज इन मोमेंटम है वो चेंज, इसको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से भी लगा सकते हैं। तो फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी और दैट इज चेंज इन मोमेंटम और एम फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इस तरह से, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी अब देखो यहाँ से हम निकाल सकते हो, तो हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो मास और फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा जब बॉल रुक जाएगा, तो निगेटिव साइन इग्नोर कर दो, तो मल्टीप्लाइड बाई स्पीड u और डिवाइडेड बाई टाइम t, ठीक है। तो मास कितना है, 1.150 ग्राम इंटू 10^-3 kg और निगेटिव साइन फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, 1.5 kg और इनिशियल वेलोसिटी जो था 20 था और टाइम कितने टाइम तक कॉन्टैक्ट में रहा, 0.1 तक, ठीक है। तो ये इसको फाइनली सॉल्व कर लो, एक जीरो ने 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे एक दो तीन जीरो ने इसे ख़त्म किया, मतलब ये आ जाएगा 15 और इधर 30 न्यूटन आ जाएगा। 30 न्यूटन का ये फोर्स लगाएगा एक दूसरे के ऊपर, 30 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे ये दोनों, ठीक है। दैट इज बी ऑप्शन सही है, क्रिकेटर भी लगाएगा उतना ही और बॉल भी लगाएगा, ठीक है। चलो ये कहता है देखो एक स्टेशनरी बॉम है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार नीट में आए हैं, ठीक है। स्टेशनरी बॉम है और जेई मेंस में आया है, एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस, ठीक है। हर एक पीस का मास का रेशियो है, अगर एम केजी का बॉल था तो स्टेशनरी 1 kg का बॉल था और तीन पार्ट में 1:1:3 के रेशियो में ब्रेक हो गया। पार्ट हैविंग सेम मासेस परपेंडिकुलर जा रहे हैं और उनकी स्पीड दी हुई है, तो वेलोसिटी ऑफ द बिगर पार्ट, तो बिगर पार्ट किधर जा रहा है वो। अब आप सबको पता है कि अगर बॉम है और रेस्ट में है तो उसके कितने भी पीस क्यों ना हो जाए, ठीक है भाई, अगर ये रेस्ट में है तो इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। तो अगर ये 20 पीस हुआ, 10 पीस हुआ, 1000 पीस हुआ, इस तरह से मूव करेंगे कि मोमेंटम जीरो होगा। अगर ये 2 पीस में हुआ
तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, तभी तो मोमेंटम जीरो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एम के जी का है तो ये भी एम के जी का है, ठीक है, एम के जी का मान लेते हैं, और इनका इसकी स्पीड 30 है तो इसकी भी स्पीड 30 है, तो इधर मोमेंटम बना 30 m और इधर मोमेंटम बना, इधर भी मोमेंटम बना 30 m। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट मोमेंटम इन दोनों का कितना जाएगा, 45 डिग्री पे जाएगा, 45 डिग्री पे जाएगा, जो कि 30 m√2 होगा, 30 m√2 होगा। अब तीसरा वाला जो है वो ratio 1:1:3 है, तो तीसरा वाला जो है वो इधर की जिसका मास 3 m होगा तभी तो 1:1 होगा, और उसकी स्पीड भी होगी तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 3 m भी हो जाएगा मास, ठीक है। अब ये वाली जो मोमेंटम है मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड दिस मोमेंटम, तभी तो मोमेंटम जीरो होगा भाई, ठीक है। तो मोमेंटम जीरो करने के लिए इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू, तो 3 m भी मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, 30 m√2। तो m ने m को और 3 ने 3 को, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 √2 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगी तीसरे वाले की, और उसकी डायरेक्शन होगी हॉरिजेंटल से 45 डिग्री पे, इधर की डायरेक्शन में हॉरिजेंटल से 45 डिग्री, या यूं कह लो वर्टिकल से 45 डिग्री इधर की डायरेक्शन में, और ये किधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था, इनका नेट मोमेंटम इधर जाएगा। अगर ये दो पीस में होता तो एक इधर जाता एक इधर जाता। चलो ये कहता है, ऐसा क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, देखो ए बॉडी ऑफ मास 3 kg हीट ए वॉल, एक बॉडी है 3 kg का, एक वॉल को हीट करती है एट एंगल ऑफ 60 degree और रिटर्न करती है, और इन दोनों के बीच जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है, देखो 3-4 बार आया यार ये सवाल, ठीक है, तो ये अपने आप से कर लो, ठीक है, मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ। वो 60 डिग्री पर हीट करती है और फिर वापस जाती है ऐसे, तो फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वॉल, तो बॉल जो कितना फोर्स लगाया होगा वॉल पे, या वॉल कितना फोर्स लगाया होगा बॉल पे, वो बात बराबर है यार, ठीक है। अब ये वॉल है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, यहाँ से ऐसे आया, ये 30 डिग्री पर हीट किया और ये फिर 30 डिग्री पर चला जाएगा, हमको पता है कि स्पीड भी होती है, और यहाँ से स्पीड भी से ज़्यादा, एंगल बराबर होगा, तो 0.2 सेकेंड इम्पैक्ट है, तो चेंज इन मोमेंटम निकाल लो। फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टी, तो चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, टाइम 0.2 सेकेंड इन्होंने दे रखा है, 0.2 सेकेंड क्या है, इस बॉल का इस वॉल के साथ कितना टाइम तक कॉन्टैक्ट रहा, यहाँ पे ये दोनों कॉन्टैक्ट में थे कुछ टाइम तक, रुक के सोचो थोड़ा दिमाग लगा के। चलो तो एक काम करते हैं, इसके हम कंपोनेंट कर देते हैं, इधर जो मोमेंटम था एम बी उसके कंपोनेंट कर देते हैं, तो एक मोमेंटम इधर जाएगा जो होगा एम बी कॉस 30, और एक मोमेंटम वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा जो होगा एम बी साइन 30, ठीक है, क्लियर है। और ये जो ऐसे जा रहा उसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा जो होगा एम बी कॉस 30, और एक कंपोनेंट इधर आएगा जो होगा एम बी साइन 30। आप देख रहे होंगे कि वर्टिकल में नेट मोमेंटम चेंज जीरो है, वर्टिकल में एम बी साइन 30 यहाँ भी था, एम बी साइन 30 यहाँ भी है, कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद भी, ठीक है। तो नो चेंज इन मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन, देर इज नो फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, फोर्स इज ओनली एग्जिस्ट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, और वो फोर्स कितना होगा, ठीक है, एक दूसरे पे लगेगा वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम 2 m/cos 30 और डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है, कर लोगे ना, समझ में आने भाई कैसे निकाला चेंज, फाइनल में से इनिशियल घटा दिया, माइनस माइनस प्लस हो गए 2 m/cos 60, ठीक है। तो 2 मास की वैल्यू दिया हुआ है 3 kg, वेलोसिटी दिया हुआ है, स्पीड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, हाँ इधर फिगर में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 10 यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम फिगर में 10, और कॉस 30 साइन 60 √3/2 डिवाइडेड बाई ये 5 और मल्टीप्लाइड बाई 10। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया और ये आ गया, ये आ जाएगा 5 2, तो 3 2 6
पॉइंट, एक मिनट, ये पॉइंट फाइव नहीं था, ये पॉइंट टू था बेटा, ये पॉइंट टू है, तो 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 ये टेन और ये टू, तो यहाँ पे पॉइंट टू था, पॉइंट टेन से मल्टीप्लाई कर दिया पॉइंट आ गया, ये टू, ये टू ने ख़त्म कर दिया, और ये फाइव और पाँच यही पंद्रह, फिफ्टीन, 150 रूट थ्री, तो 150 रूट थ्री मतलब ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ऐसा कई बार आया, ये देखो ये बहुत ही आसान सवाल है, कहता है कि टू मासेस शोन इन फिगर एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम एंड मास रिलीज फ्रॉम द लिस्ट, एटवुड मशीन है, एटवुड मशीन में कैसे निकालते हैं भैया एक्सलेशन, ठीक है, डायरेक्ट मैं बताया था एक्सलेशन, नेट फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाई मास, समेशन ऑफ मासेस, तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 10g और माइनस 5g और डिवाइडेड बाई 15, एक लाइन में, नहीं तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और सॉल्व करो यार, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ भाई, यहाँ से 5g नीचे लग गया और यहाँ से 10g नीचे लग गया, तो 10g इसको खींच रहा है, तो 10g में से 5g घटा दो तो नेट फोर्स आ जाएगा और मास 15 आ गया, तो ये आ जाएगा 5g/15, तो ये आ जाएगा g/3, ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है g/3, अदरवाइज जो लॉन्ग है फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, उसको निकालो, ठीक है। चलो, ये कहता फोर्स ऑन ए रॉकेट, देखो रॉकेट वाला सवाल खास करके ध्यान देना, रॉकेट वाले सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं कई बार और इनके आने के चांस बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज रॉकेट प्रोपल्शन जो है वो बहुत सारे स्कूल कोचिंगों में छुड़वा दिया जाता है। द फोर्स ऑन ए रॉकेट, अगर एक रॉकेट है, चलो एक रॉकेट बना लेते हैं, ये ऐसे रॉकेट, रॉकेट आगे कैसे बढ़ता है, ऊपर की डायरेक्शन में थ्रस्ट लगता है, ठीक है, ये जो विस्कस, ये जो थ्रस्ट है, गैसेस होते हैं, उन गैसेस का फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, अगर ग्रेविटी है तो mg नीचे लगेगा, अब थ्रस्ट ज़्यादा होगा तो ये ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलेरेट करेगा। इफ द फोर्स ऑन ए रॉकेट मूविंग विद वेलोसिटी, अब भी वेलोसिटी से रॉकेट जा रहा है, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो 300 न्यूटन का लग रहा है, और जो है सॉरी 300 मीटर पर सेकंड से स्पीड जा रहा है, और जो फोर्स है वो 210 न्यूटन का है, 210 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उसकी स्पीड इतना है। देन रेट ऑफ कम्बस्चन ऑफ फ्यूल, कम्बस्चन, रेट ऑफ कम्बस्चन क्या होता है, dm/dt, अब अगर रॉकेट प्रोपल्शन पढ़े हो तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होगा, क्योंकि देखो इसमें ये नहीं बताया गया कि mg ज़्यादा है या थ्रस्ट ज़्यादा है, ऐसा कुछ इस पर बताया गया कि नेट फोर्स इतना आगे लग रहा है और वो इससे जा रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप जो इस पर फोर्स लगता है थ्रस्ट इज इक्वल टू वी dm/dt, ये ठीक है, ये वाला फार्मूला लगेगा, अगर आप पढ़े हो तो आप इसको लगा पाओगे। तो जो फोर्स है वो हमें चाहिए dm/dt, तो dm/dt की जो वैल्यू आ जाएगी, dm/dt की वैल्यू आ जाएगी, वो फोर्स कितना हो गया 210 न्यूटन और डिवाइडेड बाई वेलोसिटी 300, ठीक है 300, तो एक जीरो जीरो ख़त्म हो गया, तो ये आ जाएगा ट्वेंटी वन अपॉन थ्री, तो 3 × 7 = 21 मतलब तो 0.7, ठीक है 0.7 kg/s, 0.7 kg/s जो है दैट इज सी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये एक फोर्स है, थ्रस्ट है जो लगता है, ये कहाँ से आया है, एफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिफ्रेंशिएट किया गया है, इससे पिछले लेक्चर देखना, मैं उसमें करवाया हूँ कहाँ से आया है, ठीक है। चलो, एक कहता 1 kg मास इज सस्पेंडेड बाई ए थ्रेड, एक थ्रेड है उससे हमने 1 kg मास अटैच कर दिया, ठीक है क्लियर है, और इसमें टेंशन T1 आ गया, 1 kg मास इज सस्पेंडेड बाई थ्रेड, इट इज लिफ्टेड अपवर्ड विथ एक्सलेशन, अब इसको एक्चुअली इसको ऊपर ले जाया जा रहा है, इसको ऊपर ले जा रहा है, यहाँ पर सवाल ऐसे है, ठीक है ठीक है। चलो, एक यहाँ पर मास है 1 kg का, इसको स्ट्रिंग से अटैच करके मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, पहले केस में सवाल पढ़ लो, और पहले केस में एक्सलेशन 4.9 है, और उसके बाद फिर इसको नीचे ले जा रहा हूँ 4.9 से, तो स्ट्रिंग में टेंशन का रेशियो निकालना है, तो चलो मान ले जब इसको ऊपर ले जा रहा हो एक्सलेशन 4.9 से,
ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो स्ट्रिंग में टेंशन T1 है और नीचे इसका वेट mg लग रहा होगा, तो टेंशन T1 माइनस mg दैट इज द m में, इस टाइम m में होगा, तो T1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो m a प्लस जी के इक्वल आ जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, क्लियर। उसी तरह से जब ये दूसरे केस में जब इसको नीचे करेंगे, a1 kg है और ये इसमें टेंशन T है, और जब ये नीचे डाउनवर्ड एक्सेलेरेट हो रहा है तो mg नीचे लग रही होगी और इस पर जो टेंशन है वो अभी भी ऊपर ही लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि mg माइनस टेंशन T2 इज इक्वल टू ma, ठीक है, समझना, ए टेंशन T2 लिया भाई, ऐसे मैंने धागा से थ्रेड से एक स्टोन बांधा है, उसके बाद उसको ऊपर ले जा रहा हूँ 4.9 मीटर से, फिर उसको स्लोली कम किया, थ्रेड हल्का किया, नीचे जा रहा अपने आप, ठीक है, mg अधिक है, तो यहाँ टेंशन T2, तो T2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो m a प्लस जी के इक्वल आ जाए, हाँ mg माइनस तो क्या कर रहा हूँ भाई, जो T2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से T2 इज इक्वल टू m और g माइनस a आ जाएगी, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये पूछ रहा है T1 T2 की रेशियो यार, तो T1 T2 की रेशियो कैसे निकाला जाए, इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, तो T1 और T2 की रेशियो निकालने के लिए T1 डिवाइडेड बाई T2 दैट इज T1 D2 a प्लस जी और जी माइनस ए, बात बराबर है, तो ये 9.8 और प्लस 4.9 और 9.8 माइनस 4.9, तो 9.8, ठीक है, और 17, ठीक है, और 13-14 14.7 और डिवाइडेड बाई 4.9, ठीक है, तो 4.9 इसको जोड़ लो, पॉइंट ने पॉइंट को ख़त्म कर दिया, तो ये आ जाएगा 3:1, 3:1 मतलब सी ऑप्शन सही है ना, क्लियर है। चलो फटाफट क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो एकदम, ठीक है, ये वीडियो पॉज करो और देखो सॉल्व करो होता है। कहता है कि एक बुलेट है और एक गन है, बुलेट गन सिस्टम है फायर्ड, अब मैं पूरा गन तो बनाऊंगा नहीं, ठीक है, चलो एक गन बनाते हैं, यहां पर एक ट्रिगर है, कहता है बुलेट इज फायर फ्रॉम द गन, फोर्स एक्टिंग ऑन बुलेट, फोर्स जो है, जो बुलेट है इसमें एक बुलेट बना दो, तो बुलेट जो है वो फोर्स, इसमें जो बुलेट है वो एक्चुअली इधर मूव करेगी, ठीक है, और जो बुलेट है, जो बुलेट पे फोर्स लग रहा है वो टाइम का फंक्शन है, कितना है भैया 600 माइनस 2×10^5t, दिस इज टाइम डिपेंडेंट फोर्स ऑन बुलेट, जब टाइम, व्हेन द फोर्स ऑन द बुलेट बिकेम जीरो एज सून एज लीव द बैरल, जैसे ही बैरल लीव करता है, जैसे ही बाहर जाता है बुलेट, उस पर फोर्स जीरो लग गया यार, तो अंदर में स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा, अंदर में उसको स्प्रिंग ऐसे धक्का दे रही होगी यार, ऐसे पुश कर रही होगी, लेकिन जैसे ही बाहर आया स्प्रिंग का, उसे कॉन्टैक्ट डिस्कनेक्ट हो गया और फोर्स जीरो हो गया, भाई अगर बुलेट यहाँ था, ठीक है, तो स्प्रिंग उसको धक्का देके फोर्स लगा के यहाँ तक तो लेके आई ना कुछ, और जैसे ही यहाँ आया वैसे ही फोर्स जीरो हो गया, ठीक है, बाहर निकला। व्हाट इज द एवरेज इम्पल्स इम्पोर्टेड टू द बुलेट, अब देखो जब एवरेज इम्पल्स इम्पोर्टेड टू द बुलेट, ठीक है, एवरेज इम्पल्स इम्पोर्टेड टू द बुलेट मतलब बुलेट कितना, द एवरेज, व्हाट इज द एवरेज इम्पल्स इम्पोर्टेड टू द बुलेट, बुलेट पे कितना इम्पल्स लगा जो है गन के, गन ने कितना इम्पल्स लगाया, इम्पोर्ट किया, इम्पार्ट किया, उसको हमें निकालना है, ठीक है। चलो तो इम्पल्स कैसे निकालते हैं यार, इम्पल्स निकालने का सबसे पहले देखो, जब टाइम जीरो था तो फोर्स कितना लग रहा था, फोर्स था 600 न्यूटन, ये क्लियर है, जब टाइम जीरो था स्प्रिंग उसको दबा के रखी थी यार, यहाँ पे एक स्प्रिंग थी, यहाँ पे एक स्प्रिंग थी, और स्प्रिंग और बुलेट में आपस में फोर्स लग रहा था यहाँ, जब टाइम जीरो था, यहाँ तक आने में टाइम टी लग गया होगा, तो फोर्स जीरो हो गया, तो देखते हैं कि यहाँ
जब टाइम जब फोर्स जीरो हुआ तो वो टाइम कितना हुआ, तो 600 और माइनस 2 × 10⁵ t, मतलब टाइम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 600 और 2 × 10⁵, ठीक है, तो ये 2 और ये आ जाएगा 3, मतलब टाइम की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁻³ सेकेंड। काफ़ी कम टाइम है बट है, ठीक है, नॉन जीरो टाइम है। 3 × 10⁻³ सेकेंड बाद, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकेंड बाद जो है वो फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। तब जब टाइम 3 × 10⁻³ सेकेंड हुआ तो उस वक्त फोर्स ज़ीरो हो गया, ये हमारा लिमिट आ गया, ठीक है। एक वेरिएबल फोर्स है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इम्पल्स का क्या, इम्पल्स इम्पोर्टेड क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम dt इंटीग्रल, ये है फार्मूला ना इम्पल्स का जब वेरिएबल फोर्स होता है तो, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो टाइम t1 से टाइम t2 तक, यही हमें इम्पल्स इम्पोर्टेड है। अब इम्पल्स इम्पोर्टेड फोर्स की वैल्यू रखो 600 माइनस 2 × 10⁵ t और ये dt, और टाइम टी कितना था यार, टाइम जब जीरो था, 0 to 3 × 10⁻³ सेकेंड, ये। अब फाइनली जब इसको इंटीग्रेट करोगे वही इम्पल्स का वैल्यू आ जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट तुम कर लेना 600 t − 2 × 10⁵ t² / 2, लिमिट डाल देना 0 to 3 × 10⁻³, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेना, इधर जीरो डालोगे तो जीरो हो जाएगा, और ये टी, यहाँ टी है, यहाँ टी स्क्वायर है, और इसको वैल्यू डाल लेना, तो वैल्यू डाल लेना, ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 0.5 न्यूटन, ठीक है ना, 0.9 न्यूटन। तो ये जो है 0.9 न्यूटन इसका सही सोल्यूशन है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल आफ्टर सॉल्विंग, दैट इज 0.9 न्यूटन, ठीक है, ये 0.9 न्यूटन आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है लॉज ऑफ मोशन में, कि अगर एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे अगर एक ब्लॉक रखे हो तो ब्लॉक नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर मैं वेज को एक्सलेशन दे देता हूँ किधर, इधर की डायरेक्शन में, तो इधर सूडो लगने लगेगा जिसकी वजह से ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा, तो वो एक्सलेशन कितना होता है, तो एक वो एक्सलेशन अभी इससे पिछले हम बार आया था, तो एक्सलेशन एक g tan θ होता है, ठीक है। अब भैया ये वेज है, अगर मैं इसको ब्लॉक रखूंगा तो नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इस वेज को एक्सलेशन दे दूंगा इधर की डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल ए एक्सलेशन, तो इस पे सूडो इधर लगेगा जिसकी वजह से रेस्ट में आ जाएगा, तो नॉर्मल ऊपर गया, mg नीचे गई, और जो सूडो है हॉरिजेंटल में, m में सूडो इधर गया, सूडो के दो कॉम्पोनेंट कर दिए, थीटा है तो यह आ जाएगा m में cos θ, और ये आ जाएगा सूडो का एक कॉम्पोनेंट दैट इज m में sin θ, और mg का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जैसे mg cos θ, और एक आ जाएगा इधर mg sin θ, है ना, किए थे इसको हम लोग किए थे, तो इस तरह से हम यहाँ इसको निकाल लेंगे, ठीक है। mg sin θ, अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है, अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो mg sin θ मस्ट बी इक्वल टू sudo m a cos θ, और एक्सलेशन a की वैल्यू आ जाएगी g tan θ, ठीक है ना। जिसको नहीं, जिस बहुत बेहतर तरीके समझाया हूँ, दोनों तरीके समझाया हूँ, पिछले वाला वीडियो देखना, और वैसे भी यार एक काफ़ी बार आता है, इसको याद कर लो, ठीक है। बड़े बड़े जब क्वेश्चन, हालांकि तुम्हें नहीं मिलेगा, बट बहुत सारे जब क्वेश्चन करोगे बड़े बड़े लेवल के, तो उसमें इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। अब एक रॉकेट का है, 5000 kg रॉकेट सेट वर्टिकली फायर्ड, अगर 5000 रॉकेट है उसको हम वर्टिकली फायर करते हैं ऊपर, द एग्जॉस्टेड स्पीड 800 m/s टू गिव द इनिशियल अपवर्ड एक्सलेशन। अगर हमने अपवर्ड एक्सलेशन इनिशियल 20 m/s दिया, ठीक है, द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्ट पर सेकेंड नीडेड टू द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड सप्लाई नीडेड टू थ्रस्ट। पहले क्वेश्चन को समझो कि अगर, हाँ क्वेश्चन को समझो, अगर ये रॉकेट है,
अगर ये रॉकेट है तो रॉकेट का जो मास है वो मान लो 5000 केजी ऐसा दिया हुआ है। वर्टिकली फायर एग्जॉस्टेड स्पीड गैस, जो गैस बाहर आ रही है उसकी स्पीड जो है वो 800 मीटर है, 800 मीटर पर सेकंड है, क्लियर है। एंड गिव इनिशियल अपवर्ड एक्सलेशन, अगर मैं अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में एक्सलेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देता हूँ इसको, द अमाउंट ऑफ गैसेज स्पीड पर सेकेंड टू सप्लाई नीडेड द थ्रस्ट, द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड, जो गैस बाहर आ रही है पर सेकेंड, डीएम अपन डी टी, हम लोगों को इसकी कैलकुलेशन करनी है, डीएम अपन डी टी की कैलकुलेशन करनी है। तो डीएम अपन डी टी की कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करें कि कैसे डीएम अपन डी टी कैलकुलेट करें। अब देखो समझो, रॉकेट ऊपर जाता कैसे है, ठीक है, रॉकेट पे दो फोर्स लगेंगे, एक अर्थ लगाएगी mg और एक जो गैस बाहर आ रही है वो ऊपर की डायरेक्शन में ft लगाएगी अप थ्रस्ट, ठीक है, थ्रस्ट फोर्स या उसको ऊपर की डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ही एक्सलेशन a देता है, ऊपर की डायरेक्शन में एक्सलेशन देता है। अभी आपको बहुत ऐसे सवाल मिलेगा जब एक्सलेशन जीरो होगा तो इन दोनों को बराबर कर देना, तो इस पे दो ही फोर्स लगा, एक जो गैस बाहर आ रही है वो ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाया, अर्थ नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ft ज़्यादा है जिसे ऊपर एक्सलेट हो रहा है, तो इसका जो इक्वेशन बना वो बना ft माइनस mg दैट इज इक्वल टू ma। अब जो ft की वैल्यू है वो आ जाएगी ma प्लस g के इक्वल आ जाएगा। और आपको याद होगा ft पड़े हुए जब वेरिएबल मास होता है तो वेरिएबल मास की वजह से जो फोर्स होता है दैट इज v dm upon dt इज द मास ड्यू टू फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास, ठीक है। तो ये आ जाएगा v dm upon dt दैट इज m a प्लस g, मतलब जो dm upon dt की जो वैल्यू आ जाएगी, gm upon dt की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी m a प्लस g और डिवाइडेड बाई वेलोसिटी भी, क्लियर है। चलो अब सबकी वैल्यू डाल दो, इतना सा काम कर दो। तो मास रॉकेट का कितना था 5000, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी थी, इनिशियल स्पीड कितना दिए थे 20, ठीक है, ये आ जाएगा 20, और जी की वैल्यू 10 ले लो, डिवाइडेड बाई स्पीड, इनिशियल स्पीड 800, हाँ इनिशियल स्पीड ये है 800, ठीक है, ये तो फाइनली जब इसको सॉल्व करो 2020 को ख़त्म कर दिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 30 और डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, तो 8 × 5 = 40 = 25, ठीक है, 9.8 लिया क्या यार, डीएम अपन डी टी इज इक्वल टू 187.5, एक मिनट, ये यहाँ पॉइंट में कटेगा, यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना 50 और मल्टीप्लाइड बाई 30 और डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, तो 8 इसको काट लेना, 1.875 केजी आ जाएगा, इसको सॉल्व करना 1.875 केजी, तो इसको 1.1578 इसको कैलकुलेट कर लेना यार, ठीक है, ये जाएगा 187.5 केजी, मतलब बी ऑप्शन सही है, ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है, बस आपको समझ में आना कि रॉकेट जाता कैसे है ऊपर। दो केस होते हैं जनरली पूछे जाते हैं, रॉकेट पे फोर्स गैस का ऊपर लगेगा, ग्रेविटी नीचे लगेगी, अब एक्सलेट करेगा तो इक्वेशन ये लिखोगे, अगर एक्सलेट नहीं करेगा इन दोनों को बराबर कर दोगे, वहां से भी सॉल्व हो जाएगा। कहता है ये फोर्स 6 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी एट रेस्ट, अगर एक बॉडी है वो रेस्ट में यार पहले से, और उस पर 6 न्यूटन का फोर्स लगाता 1 kg, ड्यूरिंग दिस टाइम द बॉडी अटेंड वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, कितने टाइम तक जो है बॉडी पे फोर्स लगता रहा, ठीक है। चलो पहले समझो क्वेश्चन,
अगर एक बॉडी है हम लोगों के पास रेस्ट है, रेस्ट मतलब t इज इक्वल टू जीरो पर उसकी वेलोसिटी जीरो थी, उस पर 6 न्यूटन का हमने फोर्स लगा दिया। अब हमने ड्यूरिंग दिस टाइम द बॉडी अटेंड ड्यूरिंग ए फोर्स सिग्नेट बॉडी एट रेस्ट एंड ऑफ मास वन ड्यूरिंग द बॉडी अटेंड वेलोसिटी। अब उसकी वेलोसिटी कुछ टाइम बाद फोर्स लगाओगे तो 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना यार, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और इसमें कुछ टाइम भी लग गया होगा, ठीक है भाई, टाइम टी लग गया होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा। अब वही टी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाला जाए यार, बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी का एक्सलेशन कितना आ जाएगा, एक्सलेशन क्या होता है, फोर्स अपन मास, एक ही तो फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का और मास कितना है 1 kg, ठीक है, तो मतलब 6 m/s² से एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी 30 होगा तो टाइम कितना होगा, तो टाइम भी इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, बहुत आसान सवाल है, भी इक्वल टू यू प्लस एटी। फाइनल वेलोसिटी 30 हो गया, इनिशियल 0 हो गया, एक्सलेशन 6 हो गया, टाइम टी हो गया, तो टी इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है, तो 5 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी 30 होगी। चलो कर, ये मैन फायर ए बुलेट, एक आदमी जो है वो बुलेट फायर करता है, ठीक है। अब वो जो बुलेट है, समझो ये फिर वही गन और बुलेट वाली प्रॉब्लम, ये गन है, अब मैं पूरा गन तो बनाऊंगा नहीं, इस टाइप का कुछ यहाँ ट्रिगर होता है, तो ये यहाँ से बुलेट फायर होती है, यहाँ से बुलेट आगे जाती है, तो इनिशियली मोमेंटम कितना था, बोलो 0 था बुलेट, ठीक है। बुलेट और गन, यहाँ से जो भी बुलेट बाहर जा रही है, जो भी बुलेट बाहर जा रही है, उन उसकी जो इनिशियल मोमेंटम है बुलेट और गन का, वो दैट इज एक्चुअल 0 है, ठीक है, समझ रहे ना, इनिशियल मोमेंटम 0 है और बुलेट का मास 200 ग्राम दिया हुआ है और बुलेट इधर भी स्पीड से जा रही होगी और वो 5 m/s दिया हुआ है, 5 m/s दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कहता है द गन इज ऑफ मास 1 kg, गन बहुत हल्का है यार, 1 kg का गन है और गन इधर की वेलोसिटी वी से जाएगी, रिक्वायल होती है ना, रिक्वायल होगी, बाई व्हाट वेलोसिटी द गन बैकवर्ड। देखो जब कभी भी फायर करोगे, फायरिंग करोगे, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, किसका, बुलेट और गन का, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो अगर बुलेट आगे जा रही है तो गन को पीछे जाना ही पड़ेगा यार, गन पीछे जाएगी ही जाएगी, अदरवाइज मोमेंटम 0 होगा ही नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो उसको हम कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, वी कैन नॉट फिनिश, कम कर सकते हैं गन का मास बढ़ा के, ठीक है, तो गन इधर जाएगी, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था सिस्टम का, बोलो 0, तो फाइनल मोमेंटम भी अगर 0 रहे तो लिख लो फाइनल मोमेंटम, बुलेट का फाइनल मोमेंटम मास, बुलेट की वेलोसिटी, बुलेट का मास 200 ग्राम है तो 10^-3 kg प्लस गन की वेलोसिटी भी, गन का मास 1 है, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से 0 से इक्वेट कर दो, ठीक है, तो ये 1 × 5 × 10 = 3 0 − 1, तो वेलोसिटी −1 m/s, ठीक है। देखो इसका माइनस का मतलब है कि अगर बुलेट इधर जाएगी तो गन को इधर जाना ही होगा, ठीक है, 1 से, अगर बुलेट 5 से जा रही है तो गन कम ही से जाएगा, तो 1 m/s बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, 1 m/s² बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, पीछे की डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करा दिया। नेक्स्ट देखो, खुद लगाओ, देखो वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करो, देखो ये भी एक रॉकेट वाला ही सवाल है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक रॉकेट है, देखो रॉकेट वाला बहुत सवाल आया यार और ये बहुत बार पूछा जाता है मेरे भाई। एक रॉकेट है, अब ये जो रॉकेट है इसरो का, नासा का, ठीक है, बहुत सारे रॉकेट फेल हो जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी लोग ट्राई करते रहते हैं, अरबों का प्रोजेक्ट होता है और पल भर में 0 हो जाता है, ठीक है। तो इन ए रॉकेट फ्यूल बर्न एट ए रेट ऑफ 1, फ्यूल बर्न करता है, dm/dt दिया हुआ है, 1 m/s, इसीलिए हमें कभी किसी चीज़ का अफसोस नहीं करना चाहिए। सोचो इतने अरबों रुपए लगाते हैं लोग और स्पेस में भेजते हैं और जाते ही कभी रास्ते में ही आग लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है,
ठीक है, और सारा का सारा जो मेहनत है कईयों सालों का पल भर में जीरो हो जाता है। तो हमें हमेशा ज़िंदगी में पेशेंस रखना चाहिए। द फ्यूल इज इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट विद वेलोसिटी, फ्यूल बाहर आ रही है, तो फ्यूल कितने से बाहर आ रही है, वो ऐसा दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड से फ्यूल बाहर आ रही है, ठीक है। दिस एग्जर्ट ए फोर्स ऑन द रॉकेट, अब हमको पता है कि फ्यूल बाहर आ रही है, तो फ्यूल एक फोर्स लगाती ऊपर की डायरेक्शन में, फ्यूल एक फोर्स लगाती है रॉकेट पे ऊपर की, वही फोर्स हमें निकालना है। तो वो फोर्स कितना होता है, ठीक है, उसका डायरेक्ट हम लोग के पास फार्मूला है, दैट इज थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वी डी एम अपॉन डी टी। अब जो फोर्स है वो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, और फोर्स इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी टी, इसको डायरेक्ट लगा सकते हो, बहुत आसान है, एक लाइन का सवाल है। तो वेलोसिटी भी 600 और मास 1 kg, 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, तो 60 किलोमीटर है, तो किलोमीटर पर सेकेंड 60 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, तो 60 वो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मतलब ये हुआ 6 × 4 × 0 N, इतना फोर्स लगाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फोर्स है रॉकेट के, 60,000 N फोर्स लगेगा रॉकेट को ऊपर जाने के लिए, क्लियर है। ये गैस जो बाहर आएगी, ठीक है, वो एक वेरिएबल मास का एग्जांपल है, और वेरिएबल मास में जो फोर्स लगाते हैं हम, ठीक है, वो मोमेंटम और एम बी, ठीक है, वो इतना आता है वी डी एम अपन डी टी, कई बार यूज हुआ है। ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन विथ ए स्लोप एट एंगल थीटा, चलो एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं, उस पे हम एक स्लोप एंगल थीटा पर एक ब्लॉक रख देते हैं, चलो रख ही देते हैं, ये एक एंगल थीटा पर ब्लॉक है। स्लाइड डाउन एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड, ध्यान देना ये कॉन्स्टेंट स्पीड से आ रहा है, ब्लॉक स्पीड कॉन्स्टेंट है, मतलब एक्सलेशन जीरो है, ठीक है। कहता है कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, अब यहाँ पर अगर फ्रिक्शन है, समझ रहे ना, यहाँ पर अगर फ्रिक्शन है तो इधर लग रहा होगा, और एक फोर्स एम जी साइन थीटा इधर लग गई होगी। अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन होता है, और म्यू एन यहाँ पर एम जी कॉस थीटा होता है, ठीक है, एम जी कॉस थीटा इधर लग गया, नॉर्मल ऊपर लग गया, वर्टिकल में मोशन हो रही रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एम जी साइन थीटा, एम जी ने एम जी को, ठीक है, और साइन थीटा, तो क्या निकालना, कोफिशिएंट म्यू, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा के इक्वल होगा, वैसे भी यार इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर कांस्टेंट स्पीड से स्लाइड हो रहा है तो वो एक्चुअली जो पर्टिकुलर एंगल है, ठीक है, हम इक्विलिब्रियम मानते हैं, और वो एंगल ऑफ रिपोज है कॉन्स्टेंट, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा याद करो, ठीक है। चलो, ए मंकी इज डिसेंडिंग डाउनवर्ड फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री, अब याद करो एक मंकी है, वो नीचे आ रहा ब्रांच ऑफ ए ट्री, एक ट्री है, ठीक है, इस ट्री से एक मंकी यहां पे, एक मंकी डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, मंकी इतना अच्छा नहीं बना, मंकी इज मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है, डिसेंडिंग डाउनवर्ड फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होता है यार, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मैक्सिमम टेंशन इन द ब्रांच, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 75% ऑफ एमजी, मंकी के वेट का 75% है, मतलब 75% 75 × 100 यार, मतलब ये आ जाएगा 75 × weight mg, मतलब ये आ जाएगा 3 mg upon 4, दैट इज अ मैक्सिमम टेंशन, 75% का मतलब है 3 mg upon 4 मैक्सिमम टेंशन है इस ब्रांच में, इससे ज़्यादा टेंशन होगा तो ब्रांच टूट जाएगा और मंकी नीचे आ जाएगा अपने आप। द वेट ऑफ द मंकी, द मिनिमम एक्सेलरेशन विच मंकी कैन स्लाइड डाउन,
अब मिनिमम एक्सलेशन नहीं होगा यहाँ पे, थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो, ठीक है, मैक्सिमम एक्सलेशन इन विच मंकी कैन स्लाइड डाउन। भाई जब जब आप टेंशन मैक्सिमम रखोगे, मिनिमम तो वो आ ही सकता है यार, मिनिमम, ठीक है, तो मैक्सिमम जो है जब ए मंकी स्लाइडिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री विद कॉन्स्टेंट विद द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मंकी। अब देखो अगर यहाँ पर मंकी आता है, समझो यहाँ पर, तो मंकी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, मंकी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो मंकी पकड़ के रखा है, ब्रांच नीचे आ रहा है, तो अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मंकी पे mg नीचे लग रही है और मंकी पे टेंशन ऊपर लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उसने ब्रांच को पकड़ के खींचता होगा, ठीक है, और mg एक्सलेशन से नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ mg माइनस टी दैट इज इक्वल टू ma। यहाँ से एक्सलेशन आ जाएगा mg और माइनस टेंशन टी 3mg बाई 4 दैट इज इक्वल टू ma। तो mg बाई 4 मतलब g बाई 4 मैक्सिमम एक्सलेशन है जिससे वो मंकी आ सकता है g बाई 4, ठीक है। अगर इससे एक्सलेशन ज़्यादा होगा तो ब्रांच टूट जाएगा यार, क्योंकि आपने यहाँ टेंशन मैक्सिमम रखे हो, ठीक है भाई, ऐसा एक क्वेश्चन किए थे हम लोग ना, याद करो, ठीक है, मंकी वाला किए थे कि ये एक नॉर्मल इक्वेशन है, अब इसमें टेंशन मैक्सिमम रख दिए, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ तो एक्सलेशन भी मैक्सिमम आएगा, इससे ज़्यादा एक्सलेशन होगा तो मंकी टूट जाएगा, मंकी नहीं ब्रांच टूट जाएगा, मंकी नीचे आ जाएगा, और इससे कम तो एक्सलेशन पॉसिबल है, मिनिमम तो पॉसिबल है, ठीक है। कंसीडर ए कार मूविंग अलोंग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। इफ द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच कार कैन बी स्टॉपेज। अब देखो ऐसा क्वेश्चन करो, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार आप वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो, लॉज ऑफ मोशन से भी कर सकते हो। एक कथा, एक कार है यहाँ पे, ठीक है, अब ये कहता है कंसीडर ए कार मूविंग ऑन स्पीड रोड वो 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 यार, 5/18 तो 8 × 72 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कार जा रही है आगे की डायरेक्शन में। कोफिशियंट ऑफ ब्रेकिंग टायर यहाँ पर जो है म्यू प्रेजेंट है, म्यू कितना भैया 25 है यार, ठीक है। अब कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कार कैन बी स्टॉप इट, कितनी डिस्टेंस पे कार को स्टॉप कर किया जा सकता है। मान लो कार यहाँ पर आ गई और उसकी जो स्पीड है वो ज़ीरो हो गई, लेट अस सपोज कि कार यहाँ पे आ गई तो उसकी स्पीड ज़ीरो हो गई, कितने से चली थी यार 20 से, यहाँ ज़ीरो हो गई, फोर्स कितना रिटार्डिंग फोर्स, इधर फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, अब जी की वैल्यू 10 लग रहा है तो डिस्टेंस निकालना, तो कौन सा इक्वेशन लगाया जाए बोलो, तो उस पर जो एक्सलेशन लगेगा, एक्सलेशन इज इक्वल टू फोर्स अपान मास होता है, तो फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है म्यू एन अपान मास, तो म्यू एम जी अपान मास एम, और वह जो एक्सलेशन आ गया दैट इज म्यू जी। इसको तुम याद रखो यार, एक्सलेशन रफ सरफेस पे जो है इस गाड़ी पे फ्रिक्शन लग रहा है इधर की डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू म्यू जी के इक्वल है भाई, ठीक है, अगर ये म्यू जी के इक्वल है, ठीक है, तो हम चलो अगर म्यू जी के इक्वल है तो एक काम करते हैं, थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगाते थे बी स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा देते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर और 2 एक्सलेशन म्यू जी माइनस रिटार्ड हो रहा डिस्प्लेसमेंट एक्स हमें निकालना है, ठीक है, तो यह इधर आ जाएगा 400 माइनस ने माइनस को ख़त्म कर दिया डिवाइडेड बाई 2, म्यू की वैल्यू 0.6 और जी की वैल्यू 10 ले लो, स्टॉपिंग डिस्टेंस एक्स हो गया, तो ये इस पॉइंट ने इस पॉइंट को ख़त्म कर दिया और ये आ जाएगा 200 और डिवाइडेड बाई 6, तो एक्स इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 6 मतलब ये आ जाएगा 100 अपॉन 3 मतलब 33.33 मीटर। ओ 0.5 है, सॉरी यहाँ 0.5 कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो 0.5 है, यहाँ मैंने 0.6 ले लिया, तो ये 0.5 है, तो 0.5 है,
तो ये पॉइंट ने पॉइंट को खत्म कर दिया, पॉइंट 10 इज इक्वल टू 40 आ जाएगा तब, ठीक है। पॉइंट 5 लोगे तो 40, तो इसको सॉल्व कर लेना, पॉइंट 5 लेके ये आ गया 40, ठीक है। कुछ नहीं है, कार जा रही है उस पर एक फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है, कहीं पर जाके फ्रिक्शन उसको रोक देगा, ठीक है। आगे की डायरेक्शन में कोई फोर्स वोर्स नहीं लग रहा। चलो ये क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो। कहता है एक हैवी चेन है, ये रोड, ये टेबल है, इस टेबल पे एक हैवी चेन है इस टाइप से। अब जो चेन की टोटल लेंथ है उसको मैं एल मान लेता हूं, टोटल लेंथ यहां से लेके यहां तक चेन की लेंथ एल है, और यहां नीचे जो लटका हुआ लेंथ है उसको मैं वाई मान लेता हूं। ये कितना हो जाएगा, एल माइनस वाई आ जाएगा। क्वेश्चन समझना, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, एल माइनस वाई, ठीक है। अब देखो जो मैं वाई की वैल्यू बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं वाई बढ़ाऊंगा एक ऐसा समय आ जाएगा चेन स्लिपिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, स्लिप करके नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ एक खास वाई के लिए, एक मैक्सिमम वाई के लिए ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हम लोग को निकालना है मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ चेन दैट कैन हैंग ओवर द एज, ये मैक्सिमम वाई कितना रखा जा सकता है जिससे ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो यार, ये नीचे ना आए, उससे ज़्यादा करोगे तो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस चेन को रोक कौन रहा है, इस चेन को इधर की डायरेक्शन में फ्रिक्शन रोक रहा है यार, ठीक है। मान लो ये वो मैक्सिमम लेंथ है वाई, ठीक है, तो अगर ये मैक्सिमम लेंथ है वाई तो यहाँ जो मैक्सिमम फोर्स इस पॉइंट पे, भाई ये कनेक्टेड है ना, भाई चेन एक ही है, तो चेन एक ही है, तो यहाँ जो टेंशन डेवलप होगा वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। चेन एक ही है, पुली वाला सिस्टम नहीं ऐसे पड़े थे स्ट्रिंग वाला, यहाँ टेंशन टी है तो इधर भी टेंशन टी होगा, ठीक है। यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक बढ़ाओगे तो ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा। एक स्पेशल समझ रहे हो ना, एक स्पेशल मास के लिए ये यहाँ पे रेस्ट में था, क्वेश्चन किए थे ना हम, तो उसी तरह से एक स्पेशल वेट mg, एक खास वेट के लिए ये इसको बैलेंस कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टेड है यार, ठीक है, कनेक्टेड है तो टेंशन यूनिफॉर्म है, समझ रहे हो ना। चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये छोटे से पार्ट को देखोगे, इस छोटे से पार्ट में, तो इस पे फ्रिक्शन इधर की डायरेक्शन में लगा और इस पॉइंट पे ये जो वेट W है वो उधर लग रहा है जिससे ये खींच रहा है नीचे, ठीक है। तो अगर वेट W के इक्वल है तब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन है। तो वेट W कितना है, वेट W निकाल लो, ये हैंगिंग पार्ट का वेट है mg, अभी हमें पता नहीं इसका, तो कॉन्स्टेंट डिफाइन कर लेते हैं, मास पर यूनिट लेंथ और इसकी लेंथ वाई मल्टीप्लाइड बाई जी, मास पर यूनिट लेंथ एम डैश मान लो, मास पर यूनिट लेंथ एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर लेते हैं और उस लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें हमें पता चल जाएगा कितना वेट है। और ये इस पे नॉर्मल ऊपर लगेगा एम जी, इस पे नॉर्मल ऊपर लगेगा और एम जी नीचे लगेगी यार, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी म्यू एन, और म्यू इज इक्वल टू एम, और नॉर्मल की वैल्यू मान लो एम डबल डैश जी, ये जो मास है उसमें एम डबल डैश। अब इसके लिए भी मास पर यूनिट लेंथ वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, तो म्यू मास पर यूनिट लेंथ और इसका लेंथ है एल माइनस वाई, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई जी, है ना भाई। एक सेंटीमीटर में अगर हमें लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब है, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब है एक सेंटीमीटर, एक मीटर, एक किलोमीटर में कितना मास है, ठीक है। तो अगर एक सेंटीमीटर में मुझे मास पता है तो 5 सेंटीमीटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वही तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए, ये वेट और ये फ्रिक्शन, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए तो मास पर यूनिट लेंथ वाई जी दैट इज इक्वल टू म्यू म्यू मास पर यूनिट लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ और यह आ जाएगा z l माइनस वाई। इसका मतलब ये हुआ मास पर यूनिट ने ये सब खत्म हो गया और g ने g को ख़त्म कर दिया, तो y इज इक्वल टू म्यू l और माइनस म्यू y, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू म्यू l
अपॉन वन प्लस म्यू के इक्वल आ जाएगी। अब म्यू की वैल्यू दिया होगा यहाँ पे 0.25, तो 0.25 म्यू है और लेंथ कितना है, हाँ परसेंटेज निकालना है, तो 0.25 इसका मतलब एक बार परसेंटेज निकालना, तो y अपॉन l मल्टीप्लाइड बाई 100 0.25 और ये 1.25 और मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो पॉइंट ने पॉइंट को ख़त्म कर दिया, तो 1.5 मतलब ये आ जाएगा 20%, परसेंटेज निकालने आता ना सबको, तो यह आ जाएगा 20%। मतलब इस चेन में अगर 20% से ज़्यादा लेंथ रखोगे तो ये नीचे आ जाएगा मेरे भाई, 20% से ज़्यादा अगर लेंथ रखोगे तो ये नीचे आ जाएगा, और अगर कम रखोगे तो बढ़िया अच्छी बात है। चलो, ये मिल्क इज चर्न्ड क्रीम सेपरेटेड ड्यू टू, जो मिल्क होता है उसे क्रीम क्यों सेपरेट होता है यार, ठीक है समझ रहे ना, गांव में देखे हो ना, गांव में मट्ठा निकालते हैं, ठीक है, ऐसे गांव के लोग ऐसे करते हैं ना यार, मट्ठा निकालते हैं, उसे क्रीम निकालते हैं, दही जो है मिल्क से जो क्रीम निकालते हैं, क्यों सेपरेट होता है, तो क्यों सेपरेट होता है, बाहर में अगर ये कंटेनर है इसमें दूध रखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो क्रीम है जब इसको ओमेगा से घुमाओगे, सर्कुलर मोशन दोगे, तो क्रीम बाहर की डायरेक्शन में आता है, तो किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, पूरा रोटेशनल से घुमा दोगे। वॉशिंग मशीन देखे हो ना, वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धुलते हैं तो कपड़े बाहर की डायरेक्शन में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उस फ्रेम में जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील करेगा जो उस फ्रेम में है, बाहर जो है वो तो ग्राउंड पे, उसके लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स वही हो जाएगा जो सेंट्रीफ्यूगल था भाई, जो उस फ्रेम में है क्रीम उस फ्रेम में है तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसी क्रीम पे मैं बाहर से देखूंगा तो वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बी वन, चलो एक पार्टिकल यूनिफॉर्म मास एम है मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बी वन गिवेन इम्पल्सस दैट वेलोसिटी बी टू, अब उसको हमने इम्पल्स दे दिया और उसकी वेलोसिटी बी टू हो गया, तो कहता है चेंज इन मोमेंटम। अब बहुत आसान है यार, चेंज इन मोमेंटम निकालना बहुत आसान है, क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना है बोलो, ए पार्टिकल मास विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बी गिवन इम्पल्स विद वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम एम बी टू है और माइनस मोमेंटम एम बी वन है, ठीक है, तो एम और ये बी टू माइनस बी वन, ठीक है। अब देखो यार कितना आसान सवाल आता है, पुराने ज़माने में जो लोग आज डॉक्टर बने हैं उनके टाइम में कितने आसान सवाल आते थे, ठीक है, अब यार उनके लिए उस टाइम के हिसाब से डिफिकल्ट थे, ठीक है, आपके हिसाब से थोड़ा ईजी है। ये वही रॉकेट वाला सवाल है, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये कराता हूँ। एक रॉकेट इज सेट टू फायर वर्टिकली अपवर्ड, अब इसको आप रॉकेट वाला देखो कितनी बार आया है रॉकेट वाला और आज भी आता है बहुत ज़्यादा, रॉकेट है इज मूविंग सेट टू फायर, ठीक है, वो रॉकेट है उसका मास 600 kg है, मास 600 kg है, वर्टिकली अपवर्ड एग्जॉस्टेड स्पीड जो गैस बाहर आ रहा है वो 1000 के हिसाब से बाहर आ रहा है, 1000 मीटर पर सेकेंड से गैसेस बाहर आ रहे हैं, ठीक है। द मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट, अब देखो कितना अच्छा सवाल है कि भाई मुझे वेट को ओवरकम करना है, इस पे वेट mg लग रहा है रॉकेट का, और जब गैस बाहर आ जाएगी तो गैस का फोर्स अब थ्रस्ट ऊपर लगेगा और ये एक्सेलरेशन से ऊपर चलेगा, लेकिन हमें तो इसको कांस्टेंट स्पीड से चलाना है, मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट, मतलब वेट को ख़त्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, मतलब कांस्टेंट स्पीड से चलने के लिए कितना हमें dm अपॉन dt होना चाहिए, मास पर सेकेंड कितना निकाला जाए गैसेस का जिससे जिससे जो गैसेस का फोर्स है जो ऊपर लग रहा है वो ग्रेविटी को बैलेंस कर ले, ठीक है, तो ग्रेविटी को बैलेंस कर ले तो इक्वेशन क्या बनेगा, ft माइनस mg दैट इज द m में, और अगर ये दोनों बैलेंस हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो ft इज इक्वल टू mg के इक्वल हो गया, ठीक है, और ft अगर mg के इक्वल हो गया तो भाई ft की वैल्यू क्या होती है, v dm अपॉन dt,
डीएम अपॉन डी टी चाहिए, दैट इज एम सी। तो डीएम अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो डीएम अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू मास ऑफ द रॉकेट जी और स्पीड ऑफ द गैसेस। एम जो है मास ऑफ रॉकेट है, ठीक है, तो मास ऑफ द रॉकेट कितना है 600 और जी 10 ले लो और स्पीड ऑफ द एग्जॉस्टेड गैस 1000 है, तो ये तीन जीरो को ख़त्म कर दिया इक्वल टू 6 kg/s, ठीक है। तो 6 kg/s जो है वो अगर गैसेज इतने 6 kg/s बाहर आते हैं तो उस वक्त रॉकेट एक्सेलरेट नहीं करेगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 31-year प्रॉब्लम ऑफ द NLM। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, आप और भी बेहतर तरीके से पढ़ाई करो। देखो मैंने इतने सवाल कराए हैं, ठीक है, अब आप अगर उसको कर लोगे तो आपको एक बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।